नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का दूसरा दिन है, तो दोस्तों दूसरे दिन का मैनेजमेंट हमको किस प्रकार से करना है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। दोस्तों जो पेपर जो है दूसरे दिन में जो है हम निकाल रहे हैं, उसका कारण यह है कि पेपर में जो है जो दाना जो हमने डाला वो पूरी तरीके से जो है बच्चों ने पूरा खराब कर दिया, तो उसके कारण जो है पेपर पे भी वो दाना नहीं खा पा रहे हैं और जो दाना जो वो खाएंगे भी तो वो खराब दाना खाएंगे, तो उसके कारण जो है अभी क्या है वो उनको किसी प्रकार से बीमारी नहीं है। किंतु अगर हम प्रॉपर तरीके से साफ सफाई अगर नहीं रखेंगे और वो अगर खराब दाना अगर खा लेंगे तो उसके कारण जो उनको बीमारी जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसके कारण जो हमको पेपर थोड़ा निकालना पड़ रहा है। और पानी में हमने कल भी गुड़ दिया था और आज भी हम सिर्फ उसको गुड़ ही दे रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और गर्मी के समय में बच्चे पानी तो आसानी से पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। कल का टेम्परेचर 47 डिग्री टेम्परेचर था और तो उसके जबकि कम बच्चों को 33 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो दोस्तों पानी तो वो आसानी से पी रहे हैं क्योंकि वो उनको प्यास गर्मी कारण प्यास ज़्यादा लग रही है और वहाँ पे जाके वो आसानी से पी लेते हैं। बस हमको गर्मी में ध्यान ये रखना है कि वो दाना खा पा रहा है या नहीं, तो इसके कारण जो है हमको इस बात पे ध्यान देना है कि दाने की हम व्यवस्था सिस्टमेटिक तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से फीडर लगाएं। दोस्तों फीडर में हमने टर्बो फीडर लगाया है, अभी उन पे उनको अभी स्टैंड पे नहीं लगाया है, अभी नीचे ही रखे हुए हैं और 3 दिन के बाद में जब हम इसको घेरा खोल देंगे उसके बाद में फिर लगेगा कि बच्चे जो है बड़े हो गए तो उसके बाद में हम स्टैंड लगा सकते हैं। अभी अब देखिए कि जो है बच्चे हैं ज़्यादा जो है अभी दाने के बर्तन के पास में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल में दाने के बर्तन कम है। पेपर हटा दिया, पेपर पे जो दाना खा रहे थे वो तो हट है नहीं, तो उसके कारण जो है अब हम ये दाने के बर्तन की तैयारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये भी मयूरा इंडस्ट्री से लिए गए टर्बो फीडर है, ये 3 केजी के हैं, ये 2 केजी के हैं। दोस्तों आप चाहें तो 3 केजी के भी ले सकते हैं, 2 केजी के भी ले सकते हैं, किंतु अगर छोटा लेंगे तो वो बढ़िया है, क्योंकि हम जो है ज़्यादा 3 केजी अगर फीडर में दाना भर देंगे तो बच्चे इसको जल्दी खा नहीं पाते। अब 24 घंटे अगर वो फीडर में दाना रखा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, दाना कम से कम डालें। दाना कम से कम डालने का कारण यह है कि अगर आप दिन में 2 या 3 बार दाना डालेंगे, जितनी बार फ्रेश दाना डालेंगे उतनी बार जो है बच्चे दौड़ के आएंगे और दाना खाएंगे। तो दोस्तों दाना कोशिश ये करें कि एक बार में 24 घंटे के लिए नहीं भरें, छोटे जब बच्चे हो स्पेशली उस टाइम पे तो आपको जो है कम से कम 15 दिन तक दाने का मैनेजमेंट इस प्रकार रखना है कि आप दिन में 2 या 3 बार दाना डालें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।